आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से केजे क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और आज आप लोगों के लिए खुशखबरी है, आज हमारे साथ आए हैं सीए जय कुमार जी, डायरेक्ट टैक्स एक्सपर्ट, और आपकी समस्याओं का समाधान करने। हमें पता चला है कि भाई इनकम टैक्स पोर्टल पर आपको बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं सर, लोगों को आईटीआर फाइल करने में बहुत दिक्कतें आ रही है। तो आज मैं अपने सब्सक्राइबर के बिहाफ पर आपसे कुछ सवाल पूछूंगा सर कि इन समस्याओं का हम सामना कैसे करें। तो सर क्या आप रेडी हैं? जी जी, फर्स्ट ऑफ ऑल सर थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी, आपने मुझे बुलाया, और आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। आपके 1,50,000 सब्सक्राइबर बहुत जल्द होने वाले हैं, तो मैं अपने सब्सक्राइबर को भी बोलूंगा कि सर का चैनल जरूर ज्वाइन कीजिए और देखते रहिए सर का चैनल प्लीज। चलिए तो हमारे सब्सक्राइबर के भी आप पर सर पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि पहली चीज ये बताइए, पोर्टल तो चल नहीं रहा इनकम टैक्स का जी, तो क्या अभी हम आईटीआर फाइल करें? हाँ जी। या अभी हम थोड़ा सा वेट कर लें? हाँ जी। थोड़ा सा रुक जाएं? हाँ जी। सारी वर्किंग तैयार कर लें, क्योंकि एक एक आईटीआर फाइल करने में सर लोग बागों को 4-4 घंटे, 6-6 घंटे, 8-8 घंटे लग रहे हैं, फिर उसके बाद भी पता नहीं चल रहा कि सही आईटीआर है या नहीं है। तो क्या वो ऐसा ना करें हम कि अभी आईटीआर फाइल करने से रुक जाएं? जिन लोगों की इनकम टैक्स रिटर्न बहुत ज्यादा जरूरी है, जैसे लोन के केस में, या किसी को अपना फॉरेन वीजा लगाना है उसके केस में, सिर्फ हम उन्हीं की फाइल करते हैं जिनकी जर्नल आईटीआर से है, उन्हें अभी फाइल करने से रुक जाए, क्या ऐसा कर सकते हैं? हाँ जी, मैं आपके इस पॉइंट से बिल्कुल 100% सहमत हूँ कि सबसे पहले आप लोग सिर्फ उन लोगों की आईटीआर फाइल कीजिए जिनकी एकदम आपको सख्त रिक्वायरमेंट है। जैसे सर ने बताया कि आप जिनको अगर बाय चांस लोन के लिए अप्लाई करना है, तो लोन बैंक हमसे पिछले साल के आईटीआर की डिमांड करता है, तो सबसे पहले आप उन लोगों की आईटीआर फाइल कर सकते हैं। अगर आपको बहुत जरूरी नहीं है तो अभी आप रुक जाइए, थोड़ा वेट कीजिए, अभी ग्लिचेस धीरे धीरे सॉल्व हो रहे हैं। अभी शुरुआत में आया था कि 90 ग्लिचेज है, 90 ग्लिचेज है, लेकिन धीरे धीरे वो रिड्यूस हो रहे हैं और बहुत जल्द हमें एक अच्छा पोर्टल मिलने की उम्मीद है एमसीए इनकम टैक्स पे। हाँ जी, जैसा कि हमारा एमसीए पर है वैसा ही हमारा इनकम टैक्स पर आने की उम्मीद है, जैसा जीएसटी का है। धीरे धीरे टाइम लगेगा, लेकिन अभी ज्यादा टाइम वेस्ट ना करें। मैंने तो सर अभी तक एक भी आईटीआर फाइल नहीं करी जी, मैंने आईटीआर पे बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाया जी। हालांकि मेरे को खुद 10-20-50 आईटीआर फाइल करनी है, लेकिन मैंने कहा जब लास्ट डेट सितंबर है तो सितंबर में देखेंगे, अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, पैनिक लेने की जरूरत नहीं। दूसरा क्वेश्चन ये है सर कि जैसे हम आईटीआर फाइल कर रहे हैं, तो उसमें कुछ ऐसे ट्रिक्स बताइए कि जो हमारी इमरजेंसी आईटीआर हैं तो हम उन्हें फाइल कर ले। जैसे मैंने सुना है कि जो ई वेरीफाई का ऑप्शन है, आप ई वेरीफाई ना कीजिए अभी, ई वेरीफाई लेटर कर दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, ई वेरीफाई अभी मत करो, ई वेरीफाई लेटर करके एक बार रिटर्न सबमिट कर दो, और उसके बाद दोबारा जाकर ई वेरीफाई कर लो। ऐसा सर हम तब भी करते हैं जब लास्ट डेट्स होती हैं। हाँ जी, लास्ट डेट होती है, साइट स्लो चल रही होती है, टाइम भी बचाने के लिए हम ऐसा करते हैं, तो क्या ये वाला ऑप्शन कारगर सिद्ध होगा? सर बिल्कुल, आप इसमें सबसे पहले सर ने जैसे बताया कि आप ई वेरीफाई बाद में करें, सबसे पहले पोर्टल बोलता है कि आप रिकमेंड देता है कि आप ई वेरीफाई अभी हैंड टू हैंड कर दीजिए, बट अभी उसमें थोड़ा सा दिक्कत आ रही है, वो वैलिडेशन एरर भी कर देता है। तो आप एक काम कीजिए, आप ई वेरीफाई लेटर कीजिए और लॉग आउट करके उसको दोबारा जाके ई वेरीफाई कीजिए, तो आपकी रिटर्न एकदम स्मूथली चली जाएगी और आपकी रिटर्न भी फाइल हो जाएगी। अच्छा सर, एक क्वेश्चन हो रहा है। हाँ जी। कि अब ये जो रिटर्न है हमारी, लेट सपोज आईटीआर 1 मान लो, आईटीआर 4 मान लो, हम इसे पोर्टल पर जाकर फाइल करें या इसकी यूटिलिटी को ऑफलाइन डाउनलोड करके करें? सर इसमें सबसे अच्छा ये है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों को दिक्कत आ रही होगी, मुझे तो दिक्कत आई है सर, कि मैं जब ड्राफ्ट सेव करता हूँ ऑनलाइन तो उसका ड्राफ्ट सेव नहीं हो रहा है। ओके, ठीक है, मैंने ड्राफ्ट सेव किया, मैंने मेहनत की 1-2 घंटा लगा के, क्योंकि साइट बहुत स्लो है जी जी, और उसके बाद जैसे ही लॉग आउट हुआ वो ड्राफ्ट सेव होता ही नहीं है, वो आपको दिखेगा ही नहीं उसके बाद, जैसे आप दोबारा लॉग इन करते हैं। तो मेरी आपके दर्शकों से यही राय है कि आप प्लीज ऑफलाइन यूटिलिटी से रिटर्न फाइल कीजिए, ताकि आपका ड्राफ्ट जो आपने किया है वो सेव रहे और आपको दोबारा मेहनत ना करनी पड़े। तो भाई आप सब सब्सक्राइबर सुन लो इस बात को, सर का कहना ये है, मेरा भी कहना ये है कि भाई अभी ऑनलाइन मत करो। हालांकि हम ये सजेस्ट करते हैं सब लोगों को टाइम बचाने के लिए ऑनलाइन कर लो, लेकिन पोर्टल अभी इस समय इस स्थिति में नहीं है, तो आप उसे ऑफलाइन फाइल करो तो ज्यादा बेटर रहेगा। इसके अलावा सर और कुछ आप बताना चाहें हमारे? इसके अलावा बिल्कुल सर, कई पॉइंट हैं, धीरे धीरे हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे सबसे पहले 80-19% पीपल्स आदमियों को ये दिक्कत आ रही है कि जब वो अपना प्रोफाइल में अपडेट करते हैं
माई प्रोफाइल में जाके जब अपना वो डाटा अपडेट करते हैं तो इनकम टैक्स की साइट पे अभी वो अपडेट नहीं हो रहा है। तो अभी आप परेशान ना हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सबके साथ इश्यू आ रहा है। और आपका जो आधार लिंक आप लोगों ने किया है तो कई बार उसमें नाम कुछ दिखा देता है, जैसे मेरा नाम जय कुमार है तो हो सकता है उसकी जगह अजय दिखा दे, रोहित दिखा दे। तो आप कृपया परेशान ना हो, ये सबके साथ हो रहा है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखें, ये धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। तो अभी बिना प्रोफाइल अपडेट करे अपनी रिटर्न फाइल कर ले, कोई दिक्कत थोड़ी आएगी उससे? दिक्कत नहीं आएगी सर, लेकिन एक क्लास को दिक्कत आएगी, जैसे मान लीजिए किसी की एरियर ऑफ सैलरी आई है तो उसका इन्होंने इस बार कंपलसरी कर दिया है इनकम टैक्स पोर्टल पे कि 10E फॉर्म भरना कंपलसरी है। अब 10E जैसे आप फाइल करने जाते हैं तो उसमें आपका जो प्रोफाइल में डाटा है वो आपका ऑटोमेटिकली वहां पे आ जाता है, और अगर आपने वहां पे कुछ चेंज करने की कोशिश की तो वो सेव नहीं हो रहा है, जैसे उसके फिर माई प्रोफाइल में तो चेंज होगा ही नहीं। तो आप बिना 10E फॉर्म भरे आप अपनी ITR फाइल कर नहीं सकते। जैसे ही आप ITR फाइल करने जाओगे और आपने 80 सेक्शन 81 में रिलीफ की बात की तो आप वहां पे अपना फाइल नहीं कर पाओगे। तो लेकिन वो एक क्लास ऑफ पर्सन के लिए जिनकी एरियर सैलरी है, बाकी लोगों के लिए, बाकी के लिए अभी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको डाटा अपडेट नहीं करना है तो अभी आप रुक जाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं जी। इसके अलावा एक लेट फीस का इशू आ रहा है सर। हाँ जी, ये लेट फीस का क्या इशू है? लेट फीस का सर ये इशू है कि जैसे अभी तक कईयों ने रिटर्न फाइल कर दिए, बहुत से जनों ने, ठीक है, तो उसमें क्या हुआ कि सरकार ने, आपने देखा हो अपने रिटर्न में जाके, और नहीं देखा तो एक बार देख लीजिए कि सरकार ने उसमें लेट फीस चार्ज कर ली है आप लोगों से, वो बाय मिस्टेक चार्ज हुई है, तो वो बहुत जल्दी आपको रिफंड मिल जाएगा, उसकी कोई दिक्कत वाली। तो लेट फीस जिन लोगों से चार्ज करी है क्या उन लोगों ने पे भी कर दी? हाँ जी, हो सकता है कईयों ने देखी हो, कईयों को लगा हो, कईयों को सेक्शन का ना पता हो और उन्होंने पे कर दिया हो बाई चांस, तो वो अगर आपको अब पता चल रहा है कि गलती से वो लेट फीस पे हो गई है तो वो आप लोगों को रिफंड मिल सके। लेकिन GST में तो ये लोग रिफंड नहीं देते हैं ऐसा? नहीं सर, इनकम टैक्स में, इनकम टैक्स में रिफंड दे देंगे। बिल्कुल। अच्छा सर, एक ये फॉर्म है जो 10I है, इसे लेकर लोगों को कन्फ्यूजन है। मेरा तो मानना ऐसा है, हमने अपनी मैगजीन में भी दिया था। हाँ जी, हमारी मैगजीन में हमने ये दिया है कि ये जो 10IE फॉर्म है ना, सब लोगों के लिए मैंडेटरी नहीं है। ITR 1 वालों के लिए, ITR 2 वालों के लिए तो टिक करके रख दो बस, सिर्फ आपको सेपरेट फॉर्म फाइल नहीं करना। लेकिन अगर आपकी ITR 4 है, ITR 3 है, तो उसमें मैंडेटरी है। बिल्कुल सही, बिल्कुल। बाकी लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं है, वहां पर टिक कर दो। ये फॉर्म इसलिए है भाई, गवर्नमेंट ये जानना चाहती है कि भाई तुम्हें न्यू स्कीम लेनी है, ओल्ड स्कीम लेनी है, क्योंकि इनकम टैक्स की 2 स्कीम आई थी सर, आई थिंक उसी के लिए। इसमें सर कुछ ऐड ऑन करना चाहो आप? नहीं सर, बिल्कुल जो आपने कहा एकदम सही कहा, ITR 1 और 2 के लिए सिंपली टिक करना है, बाकी अगर 3 और 4 आप फाइल कर रहे हो तो उनके लिए 10I फॉर्म आपको फिल करना है। बिल्कुल, इसके अलावा सर और कुछ ऐड कौन करना चाहिए? इसके अलावा सर बिल्कुल करना चाहूंगा, सेक्शन 154 की जो रेक्टिफिकेशन करते हैं अपरेंट रिकॉर्ड वाली, अगर आपसे कोई स्लाइटली एरर हो गया है तो वो अभी फाइल नहीं हो रही है, तो उसके लिए आप थोड़ा सा वेट कीजिए। वो धीरे धीरे जैसे जैसे टेक्निकल इश्यू ठीक हो रहे हैं पोर्टल पे तो फाइल होना शुरू हो जाएगा, तो अभी 154 रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर फाइल नहीं हो रहा है सर। अच्छा सर, एक DSC का भी कुछ इशू आ रहा है। हाँ जी, हाँ जी, वो क्या है वो थोड़ा सा समझाइए सर। DSC का देखिए, अभी तो आप लोग रिटर्न फाइल नहीं कर रहे होंगे टैक्स ऑडिट, तो अभी तो आप लोगों को नहीं दिक्कत आएगी, लेकिन आने वाले हफ्ते में 10 दिन या 15 दिन में आपको ये दिक्कतें आने वाली है। अब पहले क्या था कि ई पास टोकन मैनेजर था, तो वो अब चेंज हो गया है, क्योंकि पहले अपने जो अपने ई पास टोकन थे वो चाइना से आते थे, अब चाइना से इंपोर्ट बंद हो गया, तो वो अब उन्होंने कनाडा शिफ्ट कर दिया है और उसका नया नाम ई पास हाइपर सेकू हो गया है। अगर मैं प्रोनाउंसिएशन ठीक कर रहा हूँ तो हाइपर सेकू ही है उसका नाम। और अब आप लोगों को कुछ बातें ध्यान रखनी है जो DSC में आपको आने वाले टाइम में बहुत दिक्कत करेंगी, तो मैं आज आपको सर के माध्यम से अभी बता देता हूं ताकि वो आप लोगों को आने वाले 10 दिन 15 दिन के बाद दिक्कतें ना हो। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है कि पासवर्ड उसका चेंज हो गया सर। पहले डिफॉल्ट पासवर्ड आता था 1 से 8 तक, ठीक है, अब उसका पासवर्ड हो गया सर 1 से लेकर 9 तक। ओके, ये निर्मला सीतारमन जी ने चेंज कर दिया है। ओके, और उसके बाद आपको क्या करना है, अगर आपने बाई चांस पिछले साल रजिस्टर कर दिया था अपना DSC पोर्टल साइट पे, इनकम टैक्स पोर्टल पे, तो अब साइट नई आई है तो आपको दोबारा री रजिस्टर करना है। राइट, ये दो बातें तो आपको ध्यान रखनी है, पासवर्ड 1 से 9 हो गया है और DSC आपको री रजिस्टर करना है। राइट, अब उसके बाद जैसे हम इनकम MCA की साइट पे या GST की साइट पे हमारा EM साइनर की यूटिलिटी होती है सर, वो इंस्टॉल करके ही DSC अटैच होता है। तो अब इनकम टैक्स पोर्टल के लिए भी
ईएम ब्रिज करके एक आ गया है, ओके, वो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, वो आपका इनकम टैक्स की साइट से ही डाउनलोड हो जाएगा। राइट। तो आपको सबसे पहले ईएम ब्रिज आपको अपने सिस्टम में डाउनलोड करना है, तब ही आपका डीएससी रन होगा इनकम टैक्स पोर्टल पे। उसके बाद आप लोगों को जावा अपना अपडेट करना है, एकदम जावा अपडेट होना चाहिए। उसके बाद आपका जावा अपडेट हो गया है तो जैसे ही आप टोकन लगाते हैं तो आपको जो आपके डीएससी के ड्राइवर हैं, नए ड्राइवर अपडेट, नए ड्राइवर्स हैं, वो आपको अपडेट करने हैं। तो ये तीन काम आपको जरूर करने हैं, ईएम ब्रिज आपको डाउनलोड करना है, जावा अपडेट करना है और डीएससी के जो ड्राइवर है वो अपडेट करने, तब ही आपका डीएससी चलेगा। चलिए अब आपको पता लग गया होगा कि भाई अगर इनकम टैक्स फाइलिंग में आपको दिक्कत आ रही है तो ये वीडियो जो सर ने बनाई है हमारे साथ ये आपको बहुत हेल्पफुल करेगी। सर मेरे को लगता है कि हमने आपके सारे क्वेश्चंस के जवाब दे दिए, और अगर आपके फिर भी कोई क्वेश्चंस है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में नीचे लिखकर बताइए, हम कोशिश करेंगे सारे सवालों का जवाब देने की। और नहीं तो सर इस बार जो हमारा सितंबर मंथ का एडिशन आ रहा है मैगजीन में जी, तो हम उसमें कोशिश करेंगे एक ऐसा आर्टिकल प्रिंट करने की जिससे आपकी सारी समस्याएं सॉर्ट आउट हो जाए कि भाई। और मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर ऐसा कोई आर्टिकल हमें दो जो हम अपनी मैगजीन में पब्लिश करें। तो आपको अगर सर का आर्टिकल चाहिए सितंबर की मैगजीन में तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। सर हम आपको बाद में भी परेशान करते रहेंगे इनकम टैक्स की वीडियोस के लिए। और अगर आपने अभी तक हमारी मैगजीन सब्सक्राइब नहीं करी है तो मैगजीन को सब्सक्राइब करा ले जिससे आप अपनी नॉलेज को अपडेट कर सके। और इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। क्या सर वीडियो को क्लोज कर सकते हैं? हां जी बिल्कुल। चलिए इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।